क्लास 1, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए तो सब बच्चे अपनी साइंस की बुक ओपन करिए। एवरीबॉडी टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन चैप्टर 7। 6 चैप्टर तक हम लोगों ने हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर किया, उसका चैप्टर समझा, क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस भी लर्न किए। अब हम लोग फाइनल्स की तैयारी में लग जाते हैं। तो फाइनल्स की तैयारी के लिए सबसे पहला चैप्टर जो है वो है हमारा चैप्टर 7। आप सब ने ओपन कर लिया है ना चैप्टर 7, पेज नंबर 49। 49 ओपन कर लीजिए तो सर। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 का चैप्टर कौन सा है देखो तो बेटा, एयर, AIR, एयर। एयर मीन्स हवा। अब चलो इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ रीड भी करते चलिएगा और इस चैप्टर को समझते भी चलिएगा। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर यानी कि हर जीवी चीज़ों को किसकी ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है। एयर इज़ आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब बहुत ज़रूरी है, ये रोज़मर्रा की चीज़ है हमारी, इसके बगैर हम लोग नहीं रह सकते। ये हमारी रोज़ की ज़रूरतों में से एक है, इस आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। वॉट कैन एयर डू। अब देखो हवा क्या करती है ये जानो। एयर कैन डू मैनी थिंग्स। हवा बहुत सारी चीज़ें करती है। इट हेल्प अस टू ब्रीथ। सबसे पहला काम जो है हवा का वो है हमें सांस लेने में हेल्प करती है। टू फ्लाई काइट्स, पतंग को उड़ाने में हेल्प करती है। टू गेन वेट, किसी चीज़ का वेट बढ़ाने में भी हवा हमारी हेल्प करती है। टू बर्न कैंडल, टू बर्न कैंडल मतलब मोमबत्ती जलाने में। टू मेक क्लोथ्स ड्राई एट्सेट्रा, और गीले कपड़ों को सुखाने में भी हवा हमारी हेल्प करती है। देखो तो आपकी बुक में सब पिक्चर्स बनी हुई है ना। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जो भी जीवित प्राणी होते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होती है, उन्हें जीवित रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। देखो ये हम सांस लेते हैं ना, तो सांस कैसे लेते हैं, हवा की हेल्प से लेते हैं। उसके नीचे आ जाओ, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, तो आग जलाने के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है। देखो इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप देख रहे हो ये कैंडल बर्न कर रहा है, और यही एक कैंडल को इस कप से, सॉरी ग्लास से जब हमने कवर्ड कर दिया तो ये बुझ गई। क्यों बुझ गई बेटा, क्योंकि इसे हवा नहीं मिली, एयर नहीं मिली। तो किसी भी चीज़ में एयर की बर्निंग करने में यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए भी हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। आप भी सोच रहे होंगे कि अगर हवा चलती है तो अगर हम माचिस जलाते हैं या किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वो बुझ जाती है ना। तो बेटा वो तेज़ हवा होती है, हमारी चारों तरफ जो हवा है उसके प्रेजेंस में ही हम किसी चीज़ को बर्न कर सकते हैं या जला सकते हैं। देखो यहाँ देखो क्या है, यहाँ देख रहे हो बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, टायर है, रिंग है, फुटबॉल है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस टू गिव शेप टू ऑब्जेक्ट। एयर जो होती है वो क्या करता है, ऑक्यूपाई से स्पेस, जगह को ऑक्यूपाई करता है और उस चीज़ को शेप देता है। जैसे देखो एक पिचका हुआ टायर रहता है ना, उसकी कोई शेप नहीं रहती, लेकिन जब उसमें हवा भर जाती है तो वो शेप में आ जाती है। उसी तरह फुटबॉल देखो, फुटबॉल में जब हवा नहीं होती है तो वो कैसे शेप का होता है, लेकिन जब उसमें हवा भर दी जाती है तो वो राउंड शेप का हो जाता है। बर्ड्स नीड एयर टू फ्लाई। अब चिड़िया को उड़ने के लिए भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, और जो गिल्स होते हैं, जो फिश होती है वो जो ब्रीथ करती है, जो सांस लेती है, वो भी अपने गिल्स की सहायता से करती है। गिल्स क्या, इसमें भी वो हवा का इस्तेमाल करती है, एयर का यूज़ करती है। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज, पेज टर्न कर लीजिए बेटा। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। एयर इज नीडेड टू मूव थिंग्स। किसी भी चीज़ को हिलाने में, मूव करने में भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स ऑन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जो प्लांट्स होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं लीव्स की सहायता से, जिसे कहते हैं स्टोमेटा। आपने लीव्स में देखा होगा ये छोटे 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 पोर्स होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको, इन पोर्स को ही हम स्टोमेटा कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड।
जो हमारे चारों तरफ जो हवा चलती है उन्हें हम विंड कहते हैं। When it moves slowly, it is pleasant. जब ये धीरे धीरे चलती है तो ये बहुत सुहावनी होती है, बहुत प्लेजेंट होती है। इट इज़ कॉल्ड ब्रीज। इसे क्या कहा जाता है? ब्रीज कहा जाता है। When it moves fast and strong, और जब ये बहुत तेज और ताकत से चलती है, इट becomes destructive. डिस्ट्रक्टिव मतलब बहुत भयानक हो जाती है या बहुत विनाशकारी हो जाती है। और इसे क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। जब बहुत तेज़ से आंधी आती है तो कितना नुकसान होता है, कभी कोई चीज़ उड़ जाती है या बहुत सारी चीज़ों हार्म हो जाता है, ख़राब हो जाती है, टूट जाती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं, स्ट्रॉम कहते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। जो हवा होती है बेटा वो बहुत सारी गैसेस से मिल के बनती है। 78% ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन, जिसमें 78% जो एयर होती है वो नाइट्रोजन होती है। 21% ऑक्सीजन, 21% ऑक्सीजन होती है एंड अदर्स आर ओनली वन। और अलग जो गैसेस होती हैं वो सिर्फ 1% होती है, सिर्फ 1% होती है। वी शुड ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर। हमें कैसी सांस में, किस तरह की हवा लेनी चाहिए? क्लीन और फ्रेश, यानी कि साफ सुथरी हवा हमें सांस में लेनी चाहिए। डस्ट एंड स्मोक्स मिक्स द एयर, डस्ट एंड स्मोक्स मिक्स्ड विथ एयर मेक्स इट पॉल्यूटेड एयर। जो हवा में डस्ट होता है या धूल मिट्टी या धुआं होता है वो क्या करता है? हवा को क्या कर देता है? पॉल्यूट कर देता है या प्रदूषित कर देता है। इफ़ वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर वी फॉल इल। अगर हम पॉल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो क्या होता है? हम बीमार भी पड़ सकते हैं। ट्रीज हैव टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन एंड फ्रेश। जो पेड़ होते हैं बेटा वो हमारे हवा को साफ और फ्रेश करते हैं, यानी ताज़ा रखते हैं। वी शुड प्लांट्स मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। हमें पॉल्यूशन को या प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर या हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा और हमें सांस लेने में भी फ्रेश और क्लीन एयर मिलेगी। ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन एंड मेक्स अस हेल्दी एंड फिट। यानी कि ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि हरा भरा और साफ सुथरा वातावरण या एनवायरनमेंट जो होता है वो क्या करता है? हमें फ्रेश एयर देता है सांस लेने के लिए, जिससे हम हेल्दी और फिट होते हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में, एयर चैप्टर में क्या पढ़ा बेटा? कि एयर किसे कहते हैं, वो कौन कौन से गैसेस से मिल के बना होता है, उनका क्या यूज़ है, और हमें अपने एयर को या हमारे वातावरण में जो एयर है उसको कैसे फ्रेश और शुद्ध रखा जा सकता है। तो बेटा इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आप लोगों को जा चुका है। वीडियो की हेल्प से इस चैप्टर को आप लोग समझो और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को कॉपी में राइट करने के बाद उसे लर्न भी करो, क्योंकि अब कुछ दिन में आप लोगों को अपना टेस्ट भी देना है। यूनिट टेस्ट के प्रिपेयर हो रहा है ना, प्रिपरेशन करना है ना, तो आप इसको भी प्रिपेयर करते रहिए और सारे एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।